रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजूद सामिनो कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा मौजू है ख्वाब में रुपया पैसा देखना या मिलने की ताबीर। रुपया पैसा देखना या मिलने की ताबीर, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अलामा इब्ने सीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में रुपया पैसा देखना परेशानी मुसीबत गम पर दलील है, झगड़े की निशानी है, झगड़े फसाद की निशानी है। और अगर किसी शख्स ने पैसे रुपये को घर से बाहर फेंक दिया है, इस शख्स से गम दुख मुसीबत अल्लाह पाक दूर कर देंगे। अगर कोई शख्स अपने आप को रुपया पैसा खाते हुए देखता है या निगलते हुए देखता है ख्वाब में, ऐसा शख्स दीन की दूरी पर है, ईमान की दूरी पर है। अगर कोई गरीब आदमी ख्वाब में रुपया पैसा देखता है, अगर वो तंग दस्त है उसकी ज़रूरत पूरी होगी, तंग दस्ती ख़त्म होगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में रुपये पैसे को अपने घर से बाहर फेंक दिया है, निकाल दिया है, ऐसा शख्स तकलीफ़ मुसीबत से दूर हो जाएगा। अगर कोई शख्स रुपये माल को अपने पैसों को ज़ाया करते हुए देखता है, ऐसा शख्स लोगों को नसीहत करेगा, लोग इसकी नसीहत नहीं सुनेंगे, नहीं कबूल करेंगे, लोग इसकी बातों को नहीं मानेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर किसी शख्स ने रुपया पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं, अल्लाह पाक इस शख्स को दीन अता फरमाएंगे, अल्लाह पाक इसको माले दौलत ज़रूरत ज़िंदगी का सामान अता फरमाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इस चीज़ की अलामत है ख्वाब देखने वाले को। अगर ख्वाब में पैसे चोरी हो गए हैं किसी के, ख्वाब देखने वाले के, या गुम हो गए हैं ख्वाब में, इसके करीबी रिश्तेदार की मौत होगी या इसकी दौलत चोरी हो जाएगी। अगर किसी शख्स को ख्वाब में पैसे मिले हैं कहीं से भी, अल्लाह पाक इसको फरमाबरदार बेटा था फरमाएंगे या इसकी दौलत रिजक में इजाफा होगा, इसको नफ़ा मिलेगा, कोई भी कारोबार करेगा इसको नफ़ा हासिल होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में पैसे रुपये देखता है या उसको कहीं से मिलते हैं या कोई देता है उसको ख्वाब में, बीमारी परेशानी दुख मुसीबत गम लड़ाई की अलामत है। अगर ख्वाब में बहुत सारे रुपए जमा करता है या कर रहा है, या जो शख्स इसको दे रहा है उसके पैसे जमा कर रहा है, इसकी ताबीर यह है इस शख्स की किसी से या उसकी इसके साथ लड़ाई झगड़ा होगा, इन दोनों का आपस का झगड़ा होगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर अपनी ज़रूरियात के लिए जमा करता है, नफ़ा पाएगा, इज़्ज़त आबरू हासिल होगी। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब में रुपया पैसा देखना मुफलिसी पर दलील है, मोहताजी गरीबी पर दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में रुपया पैसा कर्ज़ के तौर पर ले रहा है, अगर कोई शख्स ख्वाब में रुपया पैसा किसी से कर्ज़ के तौर पर ले रहा है तो ये जलीलो ख्वार होने की निशानी है। और अगर किसी को देते हुए देखता है, अगर कर्ज़ के तौर पर देखता है, खुशहाली इज्जत पाने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में रुपया पैसा सूद के तौर पर लेता है तो परेशानी की अलामत है, मुफलिसी की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में रुपये पैसे का सदका देता है, गम अंधो परेशानी से छुटकारा पाने की अलामत है। कर्ज़दार है, कर्ज़ से निजात पाएगा, बीमार है, शफा पाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर ख्वाब में रुपये पैसे का सदका लेते हुए देखता है तो फ़कीरी गदागिरी अख्तियार करेगा। अगर ख़ुद कोई रुपये पैसे का सदका लेता है तो फ़कीरी और गदागिरी अख्तियार करेगा, ये अच्छी अलामत नहीं है। अगर ख्वाब में कोई सदका खैरात अपने हाथ से बांटता है तो कैद से रहाई पाएगा, खुशहाल होगा। अगर कोई शख्स मस्जिद के कोई नेक काम के लिए
पैसा रुपया देता है ख्वाब में, इस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से अनाम अजर व सवाब मिलेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर ख्वाब में पैसों रुपयों के बारे में कोई इंसान सोचता है, अमीर होने के ख्वाब देखता रहता है, इस किस्म की वीडियो लोग देखते हैं रुपये पैसे की ख्वाब में, अमीर होने के देखते रहते हैं ख्वाब, तो फिर ऐसे ख्वाब की कोई तबीर नहीं होती, ज़हनी ख्वाब होते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है कि आपने जिस वक़्त ये ख्वाब देखा है, हो सकता वो सच हो। हालात माहौल को पेशे नज़र रखना जाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की अलामत है। मौज़े सामीनों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ कर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मुराद पूरी करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकअल्लाह।